नमस्कार, जय माता दी मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज एक अद्भुत वशीकरण लेकर आई हो सिर्फ बाल से। किसी को भी आप कर सकते हैं अपने वश में और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बड़ा ही सुंदर सरल वशीकरण है। इसे आप अपने परिवार के सदस्यों में भी किसी सदस्य के लिए कर सकते हैं, यदि वो आप मनमानी कर रहा है, परिवार के खिलाफ जा रहा है, या आपका खुद का बच्चा बच्ची है, आपके खुद के बेटे बेटियां हैं जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो आप उनके बाल से भी उनका ये वशीकरण कर सकते हैं। आप अपने पति पर कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी पर कर सकते हैं। अभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बड़े अच्छे से रह रहे हैं और आपकी माँ मतलब सास जो है बहुत ही कलह कर रही है और बिल्कुल जीना दुर्लभ कर ली है, तो आप अपनी माँ का भी वशीकरण कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बस उसकी जो बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई है, वो बिल्कुल किसी को पहचान नहीं रही, केवल मनमानी कर रही है, तब वह बिल्कुल आपकी बोली बोलना प्रारंभ कर देंगी, 100% होंगी आपकी वश में। मैंने कहा ना, इसका कोई नुकसान नहीं, इसलिए आप अपने बच्चों पर भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे खुद के बच्चे, हमने ही शिक्षा दी, हमने ही संस्कार दिए, लेकिन बाहर वालों के बहकावे में आ जाते हैं हमारे बच्चे, गलत कदम उठाते हैं, गलत संगति को पसंद करते हैं, मनमानी रूप से शादी करना चाहते हैं। यदि इस तरह से आपका लड़का या लड़की भी कर रहे हो, तो आप आराम से, सुरक्षित वशीकरण है ये, आप उस पर कर सकते हैं और बहुत जल्द वो आपकी बोली बोलेगा, जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे वो रहेगा। बड़ा सरल है, सुलभ है और बहुत ज़्यादा कारगर है। चलिए सीधे वशीकरण पर आती हूँ। किस दिन करना है, कैसे करना है, कैसे हम बाल के प्रयोग से यह वशीकरण कर सकते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, शर्त यह है कि इसमें जो बाल लेने हैं आपको, वो कैंची से कटे हुए बाल नहीं होने चाहिए, अर्थात बाल में जड़ होनी चाहिए। अर्थात जड़ से जो बाल उखड़ जाते हैं या तोड़ लिए जाते हैं, हम वशीकरण में केवल उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, जिसके सिरहाने पे, जिसके मुंह में सफ़ेद सा स्कैल्प लगा हुआ रहता है। मतलब कैंची से काटे हुए बाल का प्रयोग ना करें, उसमें हमारी ऊर्जाएं चिपकी हुई नहीं रहती हैं। आपको सर से वो बाल कबाड़ना है, तोड़ना है। कभी कभी खुद भी कंघी करते वक्त बिल्कुल जड़ से बाल टूट जाते हैं, यदि आपके हाथ में बाल लग जाते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वरना सोए में आप हल्के हाथ से सर के बीच से एक बाल भी निकाल सकते हैं। एक बाल हो, तीन बाल हो, सात बाल हो, आप केवल मतलब बिल्कुल कुछ ना हो तो आप एक बाल से भी कर सकते हैं, 100% कारगर है ये वशीकरण। किस दिन करना है, केवल सब दिन छोड़कर केवल और केवल शनिवार को ही ये वशीकरण होगा। और किस समय करना है, तो केवल 12 बजे रात्रि के बाद, बिल्कुल ही आप 12 बजे से पहले नहीं कर सकते हैं, और सूर्य साक्षी में तो बिल्कुल ही नहीं, अर्थात दिन में संध्या में यह वशीकरण नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती ले लेनी है जलाने के लिए, या माचिस की डिब्बा ले लेनी है। आपको बाल थोड़े से ले लेने हैं जिसका वशीकरण करना है। कोई मंत्र नहीं करना, कोई उस वक्त स्नान नहीं करना, कोई ऐसे स्पेशल कपड़े नहीं पहनने, लेकिन आपको खुले भाग में जाना है, मतलब आंगन में जाना है, छत पर जाना है, किसी खुले जगह में जहाँ पे आसमान के नीचे आप हो, छत पर आप चले जाएं, 12 बजे रात्रि के बाद हो, मुझसे एक शब्द भी ना कहें, मन शांत रखें, भावना अच्छी रखें। कभी किसी पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की नौकरी छुड़ाने के लिए, किसी की शादी टूट जाए, किसी का धन ना आए, मतलब इस तरह की नेगेटिव बातें यदि आपके मन में आ रही हो तो बिल्कुल ना करें, कोई असर नहीं होगा, आपको लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं। केवल पॉजिटिव वे में ही आप इस वशीकरण को पूर्ण आस्था के साथ कीजिए। आपकी बात नहीं मान रहा आपका बच्चा, आपका पति, आपका घर बिगड़ रहा है, तो आप ये करें। आपको बाल ले लेना है, छत पर चले जाना है, जलाने के लिए कोई चीज़ ले लेनी है। आपको दक्षिण दिशा में मुख करना है, सूर्य जिधर से निकलता है उसके ऑपोजिट, पूरब ऑपोजिट पश्चिम, उत्तर ऑपोजिट दक्षिण, मतलब आपको दक्षिण दिशा में मुख करना है। कहते हैं दक्षिण दिशा भूत प्रेत की दिशा होती है, दक्षिण दिशा कलात्मक चीज़ों की दिशा होती है। आपको दक्षिण की तरफ चेहरा कर लेना है, खड़े हो जाना, बैठना नहीं। आप सारे बालों को, यदि आपने थोड़े से बाल ज़्यादा लिए हैं, आप उसे गोल कर दीजिए, ज़मीन पर रख कर उसे जला दीजिए। उसे जलता हुआ अपनी आंखों के सामने देखें। आप उसका, उस व्यक्ति का नाम बार बार लें, जब तक बाल जल रहा है बार बार लें, जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और जैसे ही बाल जलकर बुझने लगे, बुझ जाए ऑलमोस्ट, आप अपने दाहिने पैर से उस जलते हुए, वो उस बुझते हुए बालों को बिल्कुल मसल दें, ऐसे रगड़ दें। मित्रों, जब बाल जलते हैं ना, तो कुछ अवशेष नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। राख जो बचती है ना किसी भी चीज़ के जलने के बाद, बाल जलने के बाद कुछ नहीं बचता है,
पर राख होती तो है, वह राख आपको अपने पैरों में लगानी है, दाहिने पैर में, तो आप उसे मसल दें और नाम लेते रहें, बार बार नाम लेते रहें। बस आपको इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे प्रथम प्रयोग से ही वह आपकी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। अद्भुत है ये वशीकरण, अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।